नमस्कार, स्वागत है आपका नया लुक में। नया मीडिया, नई नज़र। नई नज़र हम लोग क्यों कहते हैं नया लुक को, क्योंकि हम हर वीक जो है, हर हफ्ते के अंत में एक ऐसे व्यक्तित्व को सामने ला के रखते हैं जो अपने प्रकाश से पूरे समाज को प्रकाशित करने का कार्य करता है। ऐसे ही आज हमारे साथ जुड़ी हैं रीना त्रिपाठी जी। रीना त्रिपाठी जी पेशे से बेसिक शिक्षक हैं और ये भारतीय नागरिक परिषद की महामंत्री भी हैं। इन्होंने समाज कल्याण के लिए बहुत सारे कार्य किए हैं और आज हम इनसे चर्चा करेंगे इस कोविड महामारी में आए हुए बेसिक शिक्षा में जो परिवर्तन आई हैं उस बारे में बात करेंगे। और हम इनसे ये भी बात करेंगे कि जो धीरे धीरे जो राजनीतिकरण हो रहा है शिक्षा का, उस पर भी और बहुत सारी वृहद चर्चा करेंगे। आइए, नमस्कार, स्वागत है आपका मैम। नमस्ते, थैंक मैम, कोविड के दरमियान हमने देखा कि एक डिजिटल एजुकेशन का वो आया, मतलब एक डिजिटल एजुकेशन का मार्केट आया और सभी को डिजिटल, जितने सारे बच्चे थे वो क्या हुआ कि डिजिटल मार्केट की तरफ जाने लगे। मतलब ऐसा हुआ कि सारे बच्चे जो भी थे, जिनके पास रिसोर्स था, जो एक धनाढ्य वर्ग के लोग थे, वो अपने आप को तो जोड़ लिए उस शिक्षा से। लेकिन आप चूंकि गांव में जाती हैं, आप एक बेसिक शिक्षा में कार्यरत हैं, तो क्या आपके जीवन, मतलब आपने कैसे उन सबको डील किया और उन सारी सर्कमस्टांसेस को आप कैसे लेके आगे बढ़ी और आज शिक्षा जो है वो कितना सक्सेसफुल हो पाया? एक साल में बहुत कुछ मतलब बर्बाद भी हुआ शिक्षा में, और जो भी सारे चीज़ बदलाव आए हैं उस पर आपकी क्या नज़रिया है, हमारे समाज के सामने आप रखें। जी सर, बिल्कुल सही कहा आपने। कोविड के दौरान हमने, हमारे पूरे देशवासियों ने बहुत नुकसान झेला है, विशेष तौर पर एजुकेशन के क्षेत्र में। जो प्राइवेट स्कूल्स हैं या जो शहर के स्कूल हैं, वहाँ तो सर माध्यम है, लोगों के पास संसाधन है, मोबाइल हैं। हम लोग चूंकि बेसिक टीचर हैं और गांव के स्तर पे हमें काम करना पड़ता है। हमारे पास, हमारी गवर्नमेंट ने बहुत सारी योजनाएं दी हैं, संसाधन उपलब्ध कराने की कोशिश की है। हम दूरदर्शन में क्लासेस दे रहे हैं बच्चों तक पहुंचने के लिए, क्योंकि लगभग दूरदर्शन एक ऐसा माध्यम है जो घर 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 तक है। और दूसरा, हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप बना करके बच्चों को शिक्षा तो दे रहे मैम हैं। आप तो ये लेकिन करना चाह रही हैं? नहीं सर, ये हो रहा है, ये हो रहा है, धरातल हो पर रहा हो है, रहा धरातल है। पे हो रहा है। लेकिन इसमें जो बहुत ही जमीनी स्तर की समस्या आ रही है वो ये है कि बेसिक में जो बच्चे पढ़ते हैं वो निम्न स्तर से आते हैं, गांव के स्तर से बिल्कुल आते हैं बिल्कुल सर। वो बिल्कुल लोग मैम, मजदूरी करते हैं या कहीं बिल्कुल छोटा बिल्कुल सर। जी खेती जी जी किसानी का काम करते हैं, तो जी उनके जी जी पास, उनके पेरेंट्स के पास भी मोबाइल नहीं है। तो नहीं है, बच्चे जो, बिल्कुल हम करना तो बहुत चाह रहे हैं सर, ये बात अलग है कि हमने प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं ली और आज करते करते हम लोग काफी कुछ सीख गए हैं। हम जी जी अपने जी अपने नए नए प्रोग्राम्स बना रहे हैं, हमारे टीचर्स बना रहे जी जी हैं, जी 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 लेकिन बच्चों तक हम 100% नहीं दे पा रहे हैं, नहीं दे वो पा रहे। 10% ही पहुंच रहा है। इस टेन बात का परसेंट दुख मतलब अगर है 60 बच्चे हैं किसी क्लास में तो 6 बच्चे को ही वो शिक्षा मिल पा रही है। जी, ये तो क्या इसका सरकार ने दुर्दशा कोई है। ऐसी व्यवस्था नहीं की गांव में, जैसे एक चला था बीच में कि डिजिटल सेंटर करके हर एक गांव में स्थापित किया जाएगा, वहां पे उसका क्या, उस रिसोर्स का यूटिलाइज सरकार क्यों नहीं करती है कि मतलब जैसे ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं जिनके पास रिसोर्स नहीं है, उनको हम वहां पे ले जा करके रखें और बच्चे वहां से उस चीज़ को, एजुकेशन को लेते? सर ये कोविड की ही शायद समस्या आ रही होगी, क्योंकि हम बहुत सारे बच्चों को एक मॉब में कहीं नहीं इकट्ठा कर सकते हैं। और जो जैसे हम लोग वर्कशीट भी बना रहे हैं, उसमें चूंकि बच्चों के पास मोबाइल नहीं है, तो एक नया तरीका ये निकला है कि हम लोग हर दिन कुछ बच्चों का चुनाव करते हैं क्लास वाइज और उनको वर्कशीट बना के देते हैं, वो तो मैम करके लाते आपके हैं। साथ ये सब, तो आपके आपके साथ सबसे बड़ी जो चुनौती आ रही है उसको बताएं। सर, सबसे बड़ी चुनौती यही आ रही है कि वर्कशीट देने के बावजूद, चूंकि बच्चा घर में नहीं, पेरेंट्स नहीं पढ़ा पा रहा उसको, जी जी वो जी आएगा, हम उसको समझाएंगे, हम हाँ खुलकर ये उसको सिखा नहीं पा रहे हैं बिल्कुल खुलकर। बिल्कुल जैसे एक बिल्कुल साल में बच्चों ने वाकई स्तर बहुत अच्छा सुधार नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हम उनको जी नहीं दे जी पा रहे हैं वो चीज़ें। सर ये बात अलग है कि दीक्षा ऐप है, प्रेरणा पोर्टल है, हाँ बहुत बहुत सारे सारे सर पोर्टल। गवर्नमेंट और ने। मैम आपने स्टेट की बात की, सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी बहुत सारी पोर्टल्स, बहुत सारी ऐसी योजनाएं कर रखी हैं कि मतलब बच्चा जाए कंप्यूटर से वो कर ले। लेकिन मैम एक चीज़ रहा कि जो ग्राउंड लेवल के, मतलब जो ग्रामीण बच्चे हैं, मतलब जिनके पास ग्रामीण बच्चे नहीं का है सर, ऐसा संसाधन नहीं मिल पा रहे संसाधन हैं नहीं है ऐसा। और सबसे बड़ी एंड्रॉयड जी मोबाइल जी की अनुपलब्धता है। दूसरा सर, अनुपलब्धता है, बेसिक स्कूलों में एक और समस्या है, हमारे स्कूल में नेटवर्क नहीं होते हैं, बहुत रेयर होते हैं ये कि बहुत कभी-कभी बड़ी हमें, जी घर मैम, ये पहुंच जाते हैं हम, तब आप जाकर के वो वीडियोस जा पाते ये हैं। बिल्कुल मैम से बहुत अच्छी बात ये बात रख रही हैं। अगर ये मेरी बात अगर सरकार तक जाती है कि इवन दो इंडिया में आज 4G टेक्नोलॉजी चल रहा है, हाँ लेकिन आज भी बहुत सारे ऐसे ग्रामीण क्षेत्र, नहीं मैं यहाँ पे जहाँ बैठा हुआ हूँ ये एक महानगर है, यहाँ भी बहुत सा ऐसा एरिया है जहाँ पे 2G के स्पीड में भी इंटरनेट नहीं मिल पाती। चलिए मैम, तो एक चीज़ अब मैम आपको, हम आगे बढ़ते हैं, तो मैम मुझे एक चीज़ बताइए कि
आप लोग जब आई थी शिक्षा लाइन में तो उस समय तो आज से आप 15 साल 20 साल पहले आई होंगी, तो आप उस समय शायद कंप्यूटर जो था उस समय स्टार्ट हुआ था ना, तो अब जो आप देख रही है डिजिटल शिक्षा की तरफ पूरा का पूरा एक मतलब जो है मूवमेंट चल रहा है, डिजिटल एजुकेशन, बहुत सारे प्राइवेट चैनल्स आ गए, सब कुछ आ गए, तो क्या मैम आपको सरकार इस तरह से ट्रेन कर रही है कि आप डिजिटल शिक्षा को दे पाए, या फिर ये भेड़ चाल में आप लोगों को भी धकेल दिया गया कि हाँ चल रहा है तो चलो चलो आगे? सर, इस बात से हम आपकी सहमत हैं कि शायद संसाधनों या कोविड की समस्या के कारण हम लोग जो भी ट्रेनिंग्स दे रहे हैं ये सिर्फ हम लोगों को भी ऑनलाइन ही मिल रही है, हम लोग बहुत ज़्यादा प्रशिक्षित नहीं है। हम अपनी बात छोड़ दें तो शायद जो 10 साल या 20 साल पुराना टीचर है वो कीपैड वाला मोबाइल ही बड़ी मुश्किल से चला पाते हैं, तो उनको टेक्नोलॉजी से जोड़ना शायद मुश्किल है। और कुछ जैसे देखिए मैम ट्रेनिंग होनी चाहिए, मैं ये चीज़ समझ रहा हूँ, अब सरकार को कहीं ना कहीं बचाने का पक्ष कर रही है, लेकिन मैम हकीकत ये है एक विडंबना है इस देश की। हाँ, प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए, जैसे बीएड हम करते बिल्कुल, हैं, बिल्कुल, तो उसके बाद कंप्यूटर का भी अगर डिप्लोमा साथ में लगे ओ लेवल करके आए तो उसमें कोई खराबी नहीं। बिल्कुल मैम, और मैम पता है आप बता रही हैं कि मतलब देखिए क्या विडंबना है इस देश में, अगर आज मेरे को चुनाव करवाना है, कल अगर चुनाव हो तो उसकी ट्रेनिंग होगी बजाते 3 दिन जी सर, ठीक है, लेकिन एक मतलब एक नेता बनाना है जो कि पढ़े लिखे नहीं होते हैं ज्यादातर, एक नेता बनाने के लिए हम एक आदमी को इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर देते हैं, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म देते हैं, उसको ट्रेनिंग दी जाती है, शिक्षकों को बुलाया जाता है एक मतलब हर माइनर माइनर चीज के लिए, लेकिन जब हम एजुकेशन देने जा रहे हैं उस समय कोरोना और सब कुछ एक साइड हो जाता है, हैदराबाद में इलेक्शन, बिहार में इलेक्शन, बंगाल में इलेक्शन होगा, मतलब सारे चीज एक तरफ हो जाते हैं, लेकिन जब शिक्षा की बात आती है हकीकत ये कोई भी सरकार शिक्षा को उस लेवल पे पहुंचाना ही नहीं चाहती है। खैर बहरहाल ये तो चलता रहेगा। मैम आगे एक चीज़ बताइए, अभी जो सबसे बड़ी बात आई है कि एक चीज़ कहा जाता है कि बेसिक अध्यापकों पर आरोप लगता रहा है कि टीचर पढ़ाने के अलावा बहुत सारे कार्य मतलब अपने जो घर का कार्य है उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, मतलब ये कहाँ तक इस बात में मतलब सच्चाई है या फिर सही कह रहे हैं सर आप? फिलहाल ये जो आपने बात कही ये अब कहावत हो गई है, अब इसमें कुछ भी हकीकत नहीं बची है। टीचर इतने सारे ऑनलाइन प्रशिक्षणों में, ऑनलाइन ट्रेनिंग बच्चों को देने में बिजी है कि ये सब घर के काम वाम कुछ नहीं होते, ये सब पुरानी कहावतें हैं, लोगों ने र्यूमर फैला रखे हैं। इस समय सर बेसिक एजुकेशन में जो टीचर है वाकई वो काम करना चाह रहा है, बस एक उसके साथ समस्या ये आती है कि हम अपने आप कहीं नहीं जाना चाहते हैं, हमारे साथ इतने सारे काम लगा दिए हैं सर। हर दिन एक बेसिक टीचर 10 से 20 पेपर तैयार करता है और उसको जाकर के विभिन्न चरणों में पहुंचाता है ना, तो उसको फ्री किया जाए अन्य ड्यूटीज से, जैसे पल्स पोलियो में, चुनाव में, मतगणना में, हर जगह बिना बेसिक टीचर के काम नहीं चलता, ये आप लोग देखते ही होंगे कि बिल्कुल बिल्कुल डोर टू। और सर कोविड में जैसे ये तो बहुत अच्छी बात है कि हम बच्चों को कैसे भी पढ़ा रहे हैं, कोविड में जो जैसे कोविड के जो सैनिक बने हैं कोविड डोर टू डोर सर्वे में टीचर्स को लगाया गया है। अच्छा। और आप यकीन नहीं करेंगे कि उनको कोई ट्रेनिंग नहीं दी, तो वहाँ पे मैम कोरोना नहीं हो रहा है, लेकिन हाँ, जब ट्रेनिंग नहीं हो रहा है सर, और कोई भी समाज जाते हैं कोविड के नाम पर सर लाखों रुपए बर्बाद हो रहे हैं, पर टीचर की सिक्योरिटी के लिए कुछ भी नहीं। कोविड में एक टीचर 3 महीने से लगा है और वही कंटिन्यू है, ये भी एक विडंबना है कि उसका परिवार भी। अच्छा मैम एक चीज बताइए, आपने इतनी सारी समस्याएं बताएं, तो मैम आपका कोई प्रतिनिधि, मेरा ये कहना है कि जैसे MLC चुनाव होता है, MLC चुनाव में हर एक विद्यालय का मतलब हम कहते हैं ग्रेजुएट टीचर्स के ग्रेजुएट वो होती है, एक सेगमेंट होता है जिसमें टीचर्स आते हैं, टीचर में बेसिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा को अलग कर दिया जाता है कि ये इसमें नहीं आ सकते हैं, लेकिन उनमें बस हम प्रोफेसर्स को रखते हैं या फिर हायर एजुकेशन वाले को रखते हैं। तो सबसे बड़ी समस्या है कि आप उन शिक्षकों को तो रख रहे हैं लेकिन इनकी भी तो समस्या है, आज आप इनसे पल्स पोलियो अभियान करवा रहे हैं, कल आप इनसे जनगणना करवाएंगे, परसों आप इनसे चुनाव का पर्चा भरवाएंगे, तो आखिर मैम आप लोगों ने कभी इस बात पे आवाज़ उठाई कि हमारा भी एक प्रतिनिधि पहुंचे जो हमारी समस्या को वहां तक पहुंचाए? नहीं सर, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया और आपके चैनल के माध्यम से हम ये आवाज़ सभी बेसिक टीचर्स की तरफ से उठाना चाहेंगे कि हम अगर सब काम करने में सक्षम हैं तो हम MLC के वोटर क्यों नहीं बनाए जाते? डेफिनेटली, और अभी तो ग्रेजुएट है, जब सब ग्रेजुएट सिर्फ माध्यमिक को छोड़ करके बाकी कहीं का भी टीचर इसका वोटर नहीं होता है, और ये पर्टिकुलर कुछ गिनती के ही शिक्षकों को आप वोटर बना लीजिए, वो आपको वोट देंगे और ये विधान परिषद में पहुंचने का एक बहुत ही आसान चोर रास्ता बना लिया गया है। बिल्कुल। तो अब चूंकि गवर्नमेंट इसमें इन्वॉल्व हो रही है तो ये गवर्नमेंट से मांग रखनी चाहिए कि सारे शिक्षक बेसिक हो, हायर एजुकेशन हो, राज्य कर्मचारी ये जो सरकारी वाले इंटर कॉलेज हैं सभी को इसकी मान्यता हो, सभी शिक्षक इसमें वोट दे सकें, ये एक मांग रखना चाहेंगे। दूसरा सर, ग्रेजुएट का जो चुनाव होता है उसमें क्यों नहीं वोटर आईडी में एक शब्द जोड़ दिया जाता है स्नातक?
और सारे ही जितने ग्रेजुएट हैं, आप ग्रेजुएट हैं पूरा, आज आजकल बहुत कम लोग हैं कि ग्रेजुएट नहीं है, नहीं है जी, तो सर सब... तो सारे ग्रेजुएट वोट डालने के अधिकार हो, खुला चुनाव होना चाहिए, अब ये लुका छुपी का खेल बंद हो कि चार आपने बना लिए चार हमने बना लिए बस इसी में लड़ाई हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल, राजनीति जो है मतलब वो एक तो शिक्षा को लेकर के कभी राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन इस देश में हालात ये रही है कि हमेशा शिक्षा पे ही राजनीति हुई है, तो बहुत बड़ा वर्ग है बेसिक एजुकेशन, लगभग 7 लाख यूपी में टीचर हैं और वो सब काम करने में सक्षम है, पर वोटर नहीं है आपका, आप अच्छा वोट देने का भी राइट नहीं है, नहीं है सर वोट देने का भी हमें राइट नहीं है। लेकिन और ऐसे जैसे मेरे ऐसा ग्रेजुएट है या फिर किसी के, आप ग्रेजुएट में सर दे सकते हैं, टीचर में नहीं दे सकते, टीचर एमएलसी जो बनता है उसमें सिर्फ माध्यमिक के टीचर ही वोट देंगे या फिर जो सर सेल्फ फाइनेंस वाले हैं वोट देंगे। फिर तो इनकी बात, बहुत बड़ा समुदाय इस चुनाव से अलग रखा गया, क्यों रखा गया है इसमें अब सोचने का समय आ गया, क्योंकि अब पार्टी सीधे इन्वॉल्व हो रही है, पार्टियों को सोचना चाहिए क्योंकि परिषद और विधानसभा दोनों इनके हाथ में है, कोई भी कानून संशोधन ये लोग कर सकते हैं, तो पूरी जनता की तरफ से सारे बहुत सारे लोग मूक दर्शक बन के देखते हैं चुनाव हो क्या रहा है, इसमें कौन वोटर था ये जान ही नहीं पाते हैं, और ये हर 6 बार रिवाइव होता है, तो आज हम वोटर हैं पता चला हमने अवेयरनेस से फॉर्म नहीं भरा तो अगले साल हम वोटर नहीं रहेंगे, तो इन चीजों को सुधार होना चाहिए और एक हेल्दी चुनाव होना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा मैम, ये तो आपने, चलिए ये तो राजनीतिक है, मतलब वो तो आपकी बात शासन प्रशासन तक पहुंचेगी तो वो करेंगे या नहीं करेंगे ये तो सत्ताधारी दलों का काम है, आप चूंकि शिक्षा के मतलब लाइन में आप बहुत कुछ करना चाहती हूँ, मुझे ये बताइए मैम कि अब बेसिक शिक्षा का स्तर कैसे सुधरेगा? सर मुझे लग रहा है वर्तमान सरकार काफी काम कर रही है कायाकल्प के नाम पर, हर साल सरकार का तो मैं योजनाएं आती हैं सरकार से पहले ये चीजें नहीं होती थी। अच्छा, एक ईमानदारी की अगर बात बताएं, वाकई कायाकल्प के नाम पर ग्राम प्रधानों को और स्कूल का भी एक फंड आया है जो कि हर लगभग 2 साल से ही आ रहा है हर स्कूल में, ईमानदारी से अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर दिया जाए तो बेसिक एजुकेशन में सुधार होगा, बस एक इसमें नियम ये लगाया जाए कि टीचरों को अन्य सभी कार्यों से मुक्त करके बच्चे पे ध्यान दिया जाए, जैसे प्राइवेट हमारे यहाँ भी सर, हमारे यहाँ सर निजीकरण की बात हो रही है, लेकिन निजीकरण हम बिल्कुल आप करिए, लेकिन ऐसा करिए कि हर बेसिक स्कूल का एक स्केल निर्धारित हो, शिक्षकों को एक होमवर्क दिया जाए कि इतने बच्चों की आपकी गुणवत्ता नहीं सुधरी तो फिर ये जो मॉनिटरिंग का काम है सर, रिस्पॉन्सिबिलिटी तय की जाए हर एक शिक्षक, मॉनिटरिंग का काम सर प्राइवेट हो, बाकी टीचर हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं। मेरे को लग रहा है कि शायद आपकी इस बात को शासन और प्रशासन सत्ता में बैठे लोग जो हमारे शिक्षा मंत्री वगैरह हैं वो इस बात पे अमल करें तो हमारी शिक्षा व्यवस्था सुधर सकती है। बिल्कुल सर, टीचर को आप फ्री करिए, बहुत ही टैलेंटेड टीचर अब आ रहा है बेसिक में और बिल्कुल सुधार होगा, बहुत ही अच्छा। हाँ, तो मैम चूंकि ये शिक्षा का स्तर जो लोग वहां तक पहुंच रहे हैं तो मतलब काफी कॉम्पिटिशन दे करके पहुंच रहे हैं, तो अब तो स्तर सुधरा होगा, लेकिन अब इंफ्रास्ट्रक्चर पे वर्क करना पड़ेगा गवर्नमेंट को, इंफ्रास्ट्रक्चर पे वर्क हो रहा, आशा है कि कुछ वर्षों में हमारा जो टाट और पट्टी पे बैठने वाला बच्चा था वो बेंच बैठेगा। 72 साल हो रहे हैं सर, ये विडंबना है देश की कि बेसिक का बच्चा आज भी टाइम। बिल्कुल, ये बहुत अच्छा लगा सुन के कि कहीं ना कहीं मैडम सरकार की मूल्यांकन करना चाह रही हैं और सरकार को एक बता रही हैं कि हाँ जब से सरकार ने कुछ कुछ तो किया है शिक्षा में। वैसे चर्चा तो मैम बहुत सारी बातें हैं, अगर आपसे मैं बात करने लगूं तो बेसिक शिक्षा में पूरा मतलब एक वो लिखा जा सकता है, एक ग्रंथ भी लिखा जा सकता है, क्योंकि 72 साल से जो व्यवस्था चरमरा गई थी, खत्म हो गई थी, उस व्यवस्था पे कोई बात भी नहीं करना चाहता है मैम, अगर बात करना क्यों चाहे, क्योंकि कभी सरकार ने इस तरफ ध्यान देने की कोशिश नहीं की। तो मैम चर्चा ऐसे ही जारी रहेगी, लेकिन आपसे बात करके मैम बहुत अच्छा लगा, आप मेरी स्टूडियो में आई और आप भी हमसे जुड़े, नया लुक के कार्यक्रम से ऐसे ही जुड़े रहिए, हम ऐसे ही ऐसे विभूति को आपके सामने लाते रहेंगे। नया लुक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।